स्वागत है 360 एकेडमी पर और हम पढ़ रहे हैं राष्ट्रीय आंदोलन। तो राष्ट्रीय आंदोलन के ध्यान रखना, ये दूसरा लेक्चर है और राष्ट्रीय आंदोलन के 5 से 6 लेक्चर आपको मिलेंगे। तो वहाँ तक हम 5 से 6 लेक्चरों में इस राष्ट्रीय आंदोलन को कवर कर लेंगे। तो हेडिंग डालिए राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन। तो हमने बताया था कि गांधी जी 1917 में चंपारण आंदोलन में सफल हुए हैं, ठीक है। और इसके बाद देखिए 1917 में एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 1918 की खास बात क्या है कि यहाँ पर प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति होती है। क्या? प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति होती है। तो इसके पहले हम अगर बात करें, जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा होता है तो अंग्रेज़ों के कहने पर, बात को ध्यान से समझना, अंग्रेज़ों के कहने पर गांधी जी क्या कर रहे थे, लोगों को सेना में भर्ती कर रहे थे कि भारतीय लोग सेना में भर्ती हों और अंग्रेज़ों की तरफ से प्रथम विश्व युद्ध में भाग लें, ठीक है। तो ध्यान रखना, गांधी जी क्या कर रहे थे, गांव में जाकर, प्रत्येक गांव में, कई गांव में जाते हैं और लोगों को एडवाइस देते हैं कि आप लोग सेना में भर्ती हो और अंग्रेज़ों की तरफ से आप लोग प्रथम विश्व युद्ध में भाग लो। तो इससे क्या होता है, गांधी जी को ध्यान रखना, अंग्रेज़ों के द्वारा एक उपाधि दी गई थी, उस उपाधि को हम बोलते हैं क्या, कैसर ए हिंद। इस बात को ध्यान रखना, क्या बोलेंगे, कैसर ए हिंद उपाधि अंग्रेज़ों के द्वारा किसको दी गई थी, गांधी जी को दी गई थी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, ठीक है। किस बात पर दी गई थी, क्योंकि गांधी जी लोगों को सेना में भर्ती करने के लिए प्रमोट कर रहे थे। तो अब इसके बाद देखिए क्या होता है, 1918 में प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हो जाती है। अब यहाँ पर जैसे विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो अंग्रेज़ों को लगा कि भारतीय लोग स्वतंत्रता की मांग तो ज़रूर करेंगे, इसके लिए हमें क्या करना है, कोई प्लानिंग कर लेनी चाहिए। तो ध्यान रखना, एक कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी का नाम ध्यान रखना क्या था, सेडिशन कमेटी। क्या नाम था, सेडिशन कमेटी। तो सेडिशन कमेटी की रिपोर्ट पर एक एक्ट बनाया गया, उस एक्ट का नाम था रॉलेट एक्ट। तो ये भी ध्यान रखना, इसकी रिपोर्ट पर कौन सा एक्ट बना, रॉलेट एक्ट, ठीक है। क्या नाम है इसका, रॉलेट एक्ट। तो लागू कब हुआ था, 1919, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो किसकी अनुशंसा पर, तो बोलेंगे सेडिशन कमेटी की अनुशंसा पर। कौन सा एक्ट लाया गया, रॉलेट एक्ट लाया गया। बाकी पास होने की प्रक्रिया तो अलग असेंबली में होगी, ठीक है। तो फिर ये पास भी हो गया और 1919 में लागू हो गया। इसके प्रावधान क्या हैं आपको भी पता होना चाहिए कि किसी व्यक्ति को शंका या संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर सकते हो, या कहीं पर कई लोग बैठे हुए हैं तो उनको भी गिरफ्तार कर सकते हो इस रॉलेट एक्ट के माध्यम से, या कोई अगर मेला चल रहा है तो वहाँ पर आप जा करके उसको कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। यानी इसको हम बोलते हैं काला कानून। तो काला कानून का नाम अगर आप लोगों ने सुना है तो इसी रॉलेट एक्ट से संबंधित काला कानून बोला जाता है, ठीक है। हम इसी को बोलते हैं क्या, काला कानून। तो आप देखिए, अगर ये रॉलेट एक्ट बिना वकील बिना दलील के लोगों को गिरफ्तार किया जाता है तो जाहिर सी बात है इसका विरोध होगा, विरोध तो पक्का होगा। इसका विरोध करने वाले खास करके आप लोगों ने नाम सुना होगा, पंजाब में दो व्यक्तियों का नाम सुना होगा, एक थे डॉक्टर सैफुद्दीन, किचलू, ठीक है। एक हैं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और एक हैं डॉक्टर सत्यपाल, ये पंजाब के उच्च कोटि के नेता माने जाते थे। तो डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को ध्यान रखना पंजाब में गिरफ्तार कर लिया गया। अब इनको जब गिरफ्तार किया गया, और गिरफ्तार क्यों किया गया, तो ध्यान रखना रॉलेट एक्ट के अंतर्गत कि ये लोग क्या कर रहे थे, इसका विरोध कर रहे थे, ठीक है। इसका विरोध करने के कारण इन दोनों नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। अब दूसरी खास बात ध्यान रखना क्या है, पंजाब में बैसाख के समय, ठीक है, बैसाख के समय क्या होता है, एक बैसाखी का मेला लगता है। कहाँ, पंजाब में बैसाखी में एक मेला लगता है और उस मेले में लोग इकट्ठा भी होते हैं,
अब होता क्या था, तो बैसाख का समय भी था, ठीक है, और मेला लगा हुआ था। और उस मेले की बात करें तो मेला कहाँ लगा हुआ था, तो ध्यान रखना जो एक बाग था, और उस बाग की बात करें तो किसका था, जलाल खां का बाग था। किसका बाग था, जलाल खां का बाग था। और कुछ नहीं, चारों तरफ से बाउंड्री थी और एक छोटा सा निकास द्वार था, साइड में एक आम का पेड़ था, ठीक है, चलो पेड़ बना देते हैं अच्छा वाला, तो ये पेड़ मान लो, ठीक है, एक आम का पेड़ था, इसी में एक कुआं था, ठीक है, आम का एक ही पेड़ था, फिलहाल बोलते थे जलाल खां का बाग, ठीक। तो यहीं पर ध्यान रखना क्या हुआ था, एक मेला लगा हुआ था, बैसाखी का मेला जिसको बोलते हैं, और यहाँ इसी मेले में क्या हो रहा था, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में यहाँ पर भाषणबाजी चल रही थी। अब इसी दौरान क्या हुआ, रक्षा विभाग से एक व्यक्ति आता है, उसका नाम था जनरल डायर। तो जनरल डायर आता है और यहाँ पर जो लोग भाषणबाजी कर रहे थे करते हैं उन पर गोली चलाने का आदेश दे देता है। तो देखो एक ही गेट है, पुलिस खड़ी हुई है, तो लोग जाएंगे भी कहाँ जाएंगे। तो ये जो ध्यान रखना एक व्यक्ति था जनरल डायर, इसके कहने पर जब गोली चला दी गई तो भारी संख्या में यहाँ के लोग मारे गए, लगभग अगर देखा जाए तो 300 लोग मारे गए, 300 प्लस लोग मारे गए, और 1200 प्लस लोग घायल भी हुए थे। तो इस घटना को अगर हम देखें तो ये घटना घटी कहाँ पर है, तो इस बाग में, बाग किसका है, जलाल खां का, सो जलिया वाला बाग बोलते हैं। और घटना कब हुई, 13 अप्रैल 1919, तो इसको बोलते हैं जलिया वाला बाग हत्याकांड 1919, इस बात को ध्यान रखना। तो जलिया वाला बाग हत्याकांड की घटना कब घटती है, 13 अप्रैल 1919, राइट। अब देखिए क्या होता है, यहाँ पर भारी संख्या में लोग मारे गए हैं, ठीक है, लगभग 1500 प्रभावित हुए हैं टोटल, अगर देखा जाए मरे भी और बच्चे भी, तो प्रभावित कितने हो गए, टोटल 1500। यहाँ पर जब इसका फिर से विरोध होना शुरू हुआ तो ध्यान रखना, अच्छा इसी समय क्या होता है, ये जो जनरल डायर था ये वापस लंदन चला जाता है, तो लंदन में इनसे भी मुलाकात करते हैं, तब तक यहाँ देख लेते हैं। तो जब यहाँ इस कांड का विरोध होने लगा तो आपको पता होना चाहिए सरकार ने अर्थात अंग्रेज़ों ने क्या किया, एक कमेटी बना दी या एक कमीशन बना दिया, और उस कमीशन को हम बोलते हैं क्या, हंटर कमीशन। क्या बोलेंगे, हंटर कमीशन। ये किस लिए बनाई गई है कमीशन, ये तो ध्यान रखना, ये इस कांड को, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए, ठीक है, तो जांच कौन करेगा, ये हंटर कमीशन करेगा। और ये कमीशन किसके द्वारा बनाया गया, तो अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया गया। तो अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया गया तो जाहिर सी बात है इसका जो, इसके द्वारा जो जाँच की जाएगी वो इसी के आधार पर की जाएगी। कैसे, देखो, तो जब ये जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करता है हंटर कमीशन, तो ये बताता है कि लोग रॉलेट एक्ट का उल्लंघन कर रहे थे, तो जनरल ओडायर ने क्या किया, थोड़ा बल का प्रयोग ज़्यादा कर दिया, बस इतना ही बताया, बाकी कोई खास नहीं है। और कांग्रेस ने भी कमेटी बनाई थी और उस कमेटी का जो अध्यक्ष बनाया था वो मदन मोहन मालवीय हुआ करते थे, और उस कांग्रेस के द्वारा जो कमेटी बनाई गई थी उसने बताया कि भारी संख्या में लोग मारे गए हैं। तो अब होगा क्या, जो जनरल ओडायर था वो लंदन वापस जाता है, और लंदन जब जाता है जनरल डायर तो वहाँ स्वर्ण पुरस्कार से उसको सम्मानित किया जाता है। तो ये हमारे लिए कितने दुख की बात है, ठीक है, तो जब वहाँ स्वर्ण आनर से सम्मानित किया जाता है तो फिर क्या होता है, लंदन में चले जाते हैं, फिर ध्यान रखना सैफुद्दीन किचलू का एक भतीजा था, उसका नाम था ऊधम सिंह। क्या नाम था, ऊधम सिंह। आपको लग रहा होगा सैफुद्दीन मुस्लिम है और ऊधम सिंह हिंदू है, तो पहले नाम भी एक दूसरे से मैच करते थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इनका भतीजा कौन था, ऊधम सिंह, और ऊधम सिंह लंदन में जा करके वहाँ पर एक प्रेमिका की सहायता से वो क्या करता है, जनरल डायर की हत्या कर देता है, ठीक है, जनरल डायर की हत्या कर देता है। तो इस जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला वो पूरा कर लेता है, ठीक है। तो चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं, 1919 के बाद की कहानी शुरू करते हैं, ठीक। 1919 के बाद देखिए क्या होता है, इसी समय की बात है,
1919 की बात है कि तुर्की एक साम्राज्य हुआ करता था, और तुर्की अगर आप मिडिल हिस्ट्री पढ़े हैं तो तुर्की के बारे में आप लोग जानते होंगे। तो तुर्की में इस समय खलीफा पद हुआ करता था। खलीफा पद की बात करें तो मुस्लिम धर्मगुरुओं का एक मुख्य पद हुआ करता था, उसको हम बोलते हैं खलीफा पद। देखिए, हज़रत मोहम्मद की मृत्यु के बाद, इनके मृत्यु के बाद जो बाद में क्या होता है, खलीफा पद बनते हैं। और खलीफा पद की बात करें तो इस समय अगर हम देखें, बाकी खलीफा पदों का ट्रांसफ़र भी हुआ है, हमें वो ट्रांसफ़र नहीं पढ़ना है, लेकिन इस समय जो खलीफा पद हुआ करता था 1919 में, वो कहाँ था, तुर्की में था। और तुर्की में भी अंग्रेज लोग हैं, और अंग्रेज लोग वहाँ भी क्या कर रहे हैं, शासन भी करते हैं। तो ध्यान रखना, वहीं तुर्की में अंग्रेज़ों ने क्या किया, 1919 में खलीफा पद को समाप्त कर दिया। कौन सा पद समाप्त कर दिया, खलीफा पद, ठीक है, खलीफा पद को अंग्रेज़ों ने समाप्त कर दिया। तो फिर क्या हुआ, विश्व के मुसलमान और भारत के भी मुसलमानों ने इस खिलाफत आंदोलन को प्रारंभ कर दिया। तो इसका प्रभाव जाहिर सी बात है भारत में भी पड़ेगा, और यहाँ पर ध्यान रखना भारत में इसका प्रभाव कैसे पड़ता है, तो चलो देखते हैं, सुनिए क्या होता है। बात है 3 सितंबर 1919। इस दिन ध्यान रखना क्या होता है, खिलाफत कमेटी का गठन किया जाता है। क्या, खिलाफत कमेटी बनाई जाती है, ठीक। और इस कमेटी की बैठक ध्यान रखना 23 नवंबर, ठीक है, 23 नवंबर 1919 में ध्यान रखना जो खिलाफत कमेटी है इसकी बैठक होती है। और इस बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो ध्यान रखना इस बैठक की अध्यक्षता गांधी जी करते हैं, और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के कहने पर इसके बाद जो खिलाफत आंदोलन चलेगा उसकी अध्यक्षता भी कौन करेगा, वो गांधी जी करेंगे, ठीक है। तो अब यहीं से ध्यान रखना फिर क्या होता है, 1 अगस्त, ठीक, 1919 को शुरू हो जाता है खिलाफत आंदोलन। ठीक है, कौन सा शुरू हो जाता है, खिलाफत आंदोलन 1919 में। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं पहले उसको हम कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से भी कवर करेंगे जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ है। तो पहली बात देखिए, रॉलट एक्ट कब पास हुआ, क्वेश्चन समझना ध्यान से, रॉलट एक्ट कब पास हुआ, 1919 में, किसकी सिफारिश पर, सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर, ठीक है। इसके विरोध में किन नेताओं को गिरफ्तार किया गया, सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को गिरफ्तार किया गया। बैसाखी के मेला में अगर देखा जाए, बैसाख का जब मेला चल रहा था तो भाषणबाजी के दौरान किसने गोली चलाने का आदेश दिया था, तो जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया था। फिर जनरल डायर को किसने मारा था, तो ध्यान रखना उधम सिंह ने मारा था, ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकते हैं। कहाँ मारे गए थे, तो लंदन में मारे गए थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो ध्यान रखना 13 अप्रैल, ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इस बात को ध्यान रखना, इतने क्वेश्चन बन सकते हैं। और एक बाग किसकी थी, तो जलाल खां की बाग थी, मैंने आपको इतना बता दिया है। अब देखिए, अगर आपसे पूछा जाए खिलाफत आंदोलन, तो खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कब हो जाती है, तो खिलाफत आंदोलन की शुरुआत 1919 से हो जाती है, ठीक है। अभी इसको छोड़ दीजिए, थोड़ा अगस्त को हम बाद में करेंगे यहाँ से, ठीक है। पहले अभी हमें क्या करना है, होता है खिलाफत आंदोलन, तो खिलाफत कमेटी बनाई जाती है। खिलाफत कमेटी कब बनती है, 3 सितंबर 1919 को बनती है। इसकी मीटिंग कब होती है, 23 नवंबर 1919 को मीटिंग होती है। और इस मीटिंग में ध्यान रखना अध्यक्षता कौन करते हैं, तो गांधी जी करते हैं। और इसी मीटिंग में ध्यान रखना अबुल कलाम आज़ाद के कहने पर खिलाफत आंदोलन जो आगे भी चलने वाला है, तो उसका जो नेतृत्व करेंगे वो कौन करेगा, गांधी जी करेंगे, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया, फिर ध्यान रखना खिलाफत आंदोलन चलता है कब से कब तक, तो इसको ध्यान रखना खिलाफत आंदोलन चलता है 1919 से, ठीक है, 1920 तक, इसको ध्यान रखना, ठीक है। तो खिलाफत आंदोलन
1919 से 1920 तक चलता है, दिखाई पड़ रहा है? ठीक है, चलो। तो खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है इस डेट के बाद, लेकिन आपको यही डेट ध्यान रखना। और खिलाफत आंदोलन का उद्देश्य क्या क्या है, तो इस उद्देश्य को ध्यान रखना, हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ाना, और जो तुर्की में खलीफा पद को हटाया गया है उसको पुनर्स्थापित करना। ठीक है, ये किसके उद्देश्य हैं, तो खिलाफत आंदोलन के उद्देश्य हैं। अब एक खिलाफत आंदोलन काफ़ी लंबे समय तक चल चुका है, लेकिन अब इसको डायरेक्ट अगर हम समाप्त कर दें तो अच्छा नहीं लगता है, ये तो आपको पता होना चाहिए। क्योंकि अगर हम किसी, मान लीजिए आप नाराज़ भी होते हो, तो अगर आपको कोई मनाए ना, डायरेक्ट अगर शांत हो जाओ तो अच्छा नहीं लगता है ना। तो आंदोलन चल रहा है, अब ये डायरेक्ट अगर शांत हो जाए तो फिर मतलब क्या निकला। तो गांधी जी सोच रहे हैं क्यों ना हम इस खिलाफत आंदोलन को दूसरे आंदोलन में चेंज कर दें। तो फिर ध्यान रखना क्या होता है, इसी खिलाफत आंदोलन को 1 अगस्त, ठीक है, 1 अगस्त 1920 से क्या होता है, खिलाफत आंदोलन राष्ट्रीय आंदोलन में, सॉरी खिलाफत आंदोलन असहयोग आंदोलन में शुरू हो जाता है। ठीक है, यानी बदल दिया जाता है। तो ध्यान रखना, 1 अगस्त 1920 से खिलाफत आंदोलन, अच्छा खिलाफत आंदोलन चला कब से कब तक है, 1919 से 1920 तक चला है। ठीक है, और 1 अगस्त 1920 से खिलाफत आंदोलन को असहयोग आंदोलन में बदल दिया जाता है। तो आप लोग हैडिंग डालोगे असहयोग आंदोलन, तो असहयोग आंदोलन स्टार्ट हो जाता है। तो स्टार्टिंग की डेट आपको ध्यान रखना है 1 अगस्त 1920 से, ठीक है, 1 अगस्त 1922 तक चलेगा। तो आप लोग हैडिंग डालोगे क्या, असहयोग आंदोलन। उन्नीस से 1922, इसको ध्यान रखना, और डेट अगर पूछा जाए तो 1 अगस्त। ठीक है, अब देखिए असहयोग आंदोलन की स्टार्टिंग हो जाती है। अब यहाँ पर होता क्या है, इस असहयोग आंदोलन का जो उद्देश्य था कि उपाधियों को त्यागना, तो लोग उपाधि भी त्याग रहे थे। अभी हमने आपको बताया था गांधी जी को उपाधि मिली थी, कौन सी, कैसर ए हिंद, गांधी जी ने अपनी उपाधि को त्याग दिया। ठीक है, और सरकारी स्कूलों का बहिष्कार करना, न्यायालय का बहिष्कार करना, तो ये सब सिंपल रूप से चल रहा था। ठीक है, असहयोग आंदोलन में ये सब क्या, साधारण रूप से चल रहा था। और आपको ये भी पता होना चाहिए, जो असहयोग आंदोलन है ये गांधी जी का पहला जन आंदोलन है, ये बात आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन बन जाता है कि गांधी का पहला जन आंदोलन, तो क्या बोलोगे, असहयोग आंदोलन। और असहयोग आंदोलन के बाद फिर कौन सा बड़ा जन आंदोलन होता है, तो बोलोगे सविनय अवज्ञा आंदोलन। और सविनय अवज्ञा आंदोलन को सबको क्रम से हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बस आपको केवल सुना रहे हैं, रिपीट करा रहे हैं, ताकि आपको शब्द सुने सुने लगे। तो ध्यान रखना, फिर इसके बाद हमने बताया कौन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, और सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट होता है। तो ध्यान रखना, गांधी के केवल 3 ही जन आंदोलन हैं, ठीक है, जो बहुत बड़े विशाल हुआ करते थे। और इसके बाद देखिए, अगर पहले जन आंदोलन की बात करें तो असहयोग आंदोलन, और असहयोग आंदोलन से धीरे धीरे इसकी जो प्रकृति थी वो बढ़ती चली गई। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ क्या किया गया, बहिष्कार करते थे, और फिर आगे उल्लंघन करना शुरू कर देंगे, और फिर तीसरे में क्या करेंगे, बोल देंगे कि अंग्रेजों भारत छोड़ दो। तो देखो यहाँ से प्रकृति क्या है, धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो अभी साधारण चीज़ें हैं यहाँ पर, लेकिन पहला जन आंदोलन कौन सा है, असहयोग आंदोलन। और असहयोग आंदोलन का अगर समय पूछा जाए स्टार्टिंग, तो ध्यान रखना 1 अगस्त 1920 और फिर 1922 तक चलता है, जब एक चौरी चौरा कांड होता है। ठीक है, तो फिर वहाँ भी पहुँचते हैं। तो देखिए क्या होता है, ये आंदोलन 1922 में, ठीक है, 1922 में हिंसक हो जाता है। यहाँ के मेंबर, इस आंदोलन के मेंबर कहाँ पहुँचते हैं, यूपी के गोरखपुर में पहुँचते हैं। और गोरखपुर में एक स्थान का नाम सुना होगा, उस स्थान का नाम था चौरी चौरा स्थान। क्या बोलेंगे, चौरी चौरा एक स्थान है। यहीं पर जब भीड़ पहुंचती है, तो ध्यान रखना एक पुलिस वाले ने क्या किया, किसी भीड़ के एक व्यक्ति पर गोली चला दी। और जैसे पुलिस वाले ने गोली चलाया, तो भीड़ फिर क्या हुई है, हिंसक हो गई। और ये भीड़ ने क्या किया, जिस थाने का वो पुलिस वाला था
वहीं पर जाकर के भीड़ इकट्ठा हो जाती है और इस भीड़ के द्वारा उस थाने में आग लगा दिया जाता है। फिर क्या होता है, लगभग 21 पुलिसकर्मी मारे जाते हैं। फिर ध्यान रखना, हिंसक भीड़, अब इससे गांधी जी को लगता है कि अगर हम इस आंदोलन को बंद नहीं करते हैं तो अंग्रेज लोग भारतीय जनता पर लोलर चलवा देंगे, ये आपको बात पता होनी चाहिए। तो गांधी दूरदर्शी हुआ करते थे, गांधी जी को पता था कि हमको ये असहयोग आंदोलन को स्थगित करना ठीक है, नहीं तो फिर जो अंग्रेज़ों का रिएक्शन होगा वो बहुत खतरनाक होगा। तो गांधी जी ने क्या किया 1922 में, ठीक है 1922 में ध्यान रखना, गांधी जी ने इस असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। और जो ये गोरखपुर की घटना थी तो ध्यान रखना है कब थी, हुई थी तो 5 फरवरी, इस डेट को ध्यान रखना, 5 फरवरी 1922। इस घटना को हम बोलते हैं, ठीक है इस घटना को हम बोलते हैं चौरी चौरा कांड। तो चौरी चौरा कांड घटना गोरखपुर में, गोरखपुर थाने में हुई थी, वहाँ पर जो हिंसक भीड़ थाने में आग लगा दिया था, ठीक है। तो इस घटना को क्या बोलते हैं, 5 फरवरी 1919 की चौरी चौरा कांड। तो इस चौरी चौरा कांड को ध्यान रखना, और इस चौरी चौरा कांड के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। और इस असहयोग आंदोलन के स्थगित होने से भारतीय नेता, मैक्सिमम नेता नाराज़ हो गए, और मैक्सिमम नेता नाराज़ होने के बाद प्रतिक्रियाएं क्या हो रही हैं इसको हम आगे नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और इस वीडियो को अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और हमने बताया कि सारे लेक्चर राष्ट्रीय आंदोलन को आपको एक साथ मिलेंगे, ठीक है। तो आगे की कहानी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।